नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में रविवार को शमशान घाट हादसे ने नया रूप ले लिया है। सोमवार की दोपहर लोगों ने मुरादनगर में शव नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। दिल्ली से मेरठ जाता हुआ नेशनल हाईवे घंटों तक जाम रहा, वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। गाजियाबाद और मेरठ की पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन स्थिति फिर भी बदहाल ही रही। दूसरी ओर लोगों को समझाने के लिए मेरठ के आईजी और मंडलायुक्त मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी वापस भेज दिया। लोगों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मरने वालों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि मुरादनगर कस्बे में रविवार की सुबह शमशान घाट की इमारत भरभरा कर गिर गई थी। उस वक्त लोग वहां एक शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इस हादसे की चपेट में करीब 45 लोग आए, जिनमें से 30 से ज्यादा की मौत हो गई है। बाकी जिंदगी और मौत के साथ अस्पताल में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल मामले पर संज्ञान लिया, उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा। बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाए गए। मुख्यमंत्री ने मृतक के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का घोषणा किया था। रविवार की देर रात और सोमवार की सुबह शव परिजनों को सौंपे गए। सोमवार की दोपहर 3 शवों को नेशनल हाईवे पर रखकर मुरादनगर कस्बे में भीड़ ने जाम लगा दिया। इसके बाद लोगों ने 3 और शव लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा, जिसकी वजह से सड़कें बंद थीं। गाजियाबाद और मेरठ के बीच यातायात पूरी तरह ठप है, आवाजाही भी बंद हो चुकी है। भीड़ रोष में है और सहायता राशि बढ़ाकर 20-20 लाख रुपए करने की मांग कर रही है। यह जानकारी मिलने के बाद मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर अनीता मिश्रा मुरादनगर कस्बे में पहुंचे। वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों ने उन्हें वापस मेरठ चले जाने के लिए कहा। तब से लगातार लोग सड़क पर ही डटे हुए हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों की 2 मांगे हैं। पहली मांग, मृतकों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए के आर्थिक सहायता दी जाए। नगरपालिका और प्रशासन के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ यह हादसा, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर अभी तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, जिससे मुरादनगर और आसपास के इलाके में भारी रोष पनप रहा है। यह सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है। आसपास के तमाम गांवों से भारी संख्या में भीड़ मुरादनगर जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी मुरादनगर में तैनात करी है।